अतिक्रमण को डिमोलिशन करने का नाम देने के बजाय समझौते से पुनर्स्थापित करने की बात अगर की होती तो ये कुछ करना न पड़ता। और गांव में हम लोग भाईचारा से सब रहते हैं और आज तक तो रहते ही आए। या हाँ डेफिनेटली ये जो मैटर अभी कोर्ट में है, हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट दोनों में ये मैटर चल रही है, तो अगर देखा जाए तो ये निर्णय नामदार हाईकोर्ट के ऊपर छोड़ दिया होता और जो लोग लीगल है इलीगल है वो कहना हमारा कोई काम नहीं है। अगर मैटर कोर्ट में है तो नामदार कोर्ट वो तय करेगी। सोमनाथ के इतिहास में ये रहा कि हिंदू मुस्लिम ये कभी नफरतें कभी नहीं हुई सोमनाथ में, लेकिन कुछ लोगों की ये सुखबुगाहट है कि जब सोमनाथ से जो आडवाणी जी ने और मोदी जी ने जो रथ यात्रा यहां से निकालना शुरू किया वहीं से जो है वो एक नफरत जो है वो माहौल बिगाड़ने की शुरुआत की गई थी। डेफिनेटली वो वोट की राजनीति से शुरू हुआ है, वरना तब भी आप देखेंगे कि यहाँ सोमनाथ से यात्रा शुरू की तो बिहार में लालू जी ने वो अटका दी थी, वहां स्टॉप कर दी थी, तब कोई माहौल ऐसा नहीं बना था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देश में ये माहौल बनना शुरू हुआ और खास करके 2004 से गुजरात से ये माहौल शुरू हुआ और पूरे देश में ये राजनीति जो अभी चल रही है वो वोटों की राजनीति है, इसमें देश का कोई फायदा नहीं है। जो मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ आगेवानों ने हमारे साथ बात की उसमें उसने ऐसा बताया हमें कि ये पुरातत्व खाता के लेबल भी लगे हुए और 500 साल से पहले का ये तख्ती भी वहां लगा हुआ है। पेपर्स की ये सब बातें हैं, लेकिन पेपर्स सही होने पर भी कोर्ट से हमें न्याय मिले उससे पहले ये गलत चीज तरीके से बुलडोजर की राजनीति अच्छी नहीं है, ये मैं मानता हूँ। तंत्र से डरते हैं सर, और डरते हैं उसका कोई ना कोई कारण ये भी हो सकता है कि किसी को आज आमदनी नहीं है, लोग बहुत परेशान है, धंधा नहीं है। और 28 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन है तो सामने जो बोलता है उसको ये लोग खत्म करते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, देश लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, गुजरात के सोमनाथ में वेरावल में एक मेगा डिमोलिशन हुआ और ये कहा गया कि ये सोमनाथ के इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलिशन है और अतिक्रमण के नाम पर बहुत सारे मजार और जिसमें कहा जाता है कि कई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इमारतें पुरानी दर्ज थी उनको भी जो है वो अतिक्रमण बताकर हटा दिया गया, कई मजारात को शहीद कर दिया गया, जो कब्रिस्तान था उस पर बुलडोजर चलाया गया, कब्रिस्तान के बीच में से एक रास्ता जो है वो सर्किट हाउस का बनाया गया। ये तमाम चीजें सोमनाथ में चल रही है और आज हमें पता चला कि यहाँ पर उस जो साइट जहां पर डिमोलिशन किया गया है वहां पर मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं है। कांग्रेस के जयकर चौटाई साहब मेरे साथ में मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि यहीं पर सोमनाथ में ही मुकीम है और गुजरात कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। चौटाई साहब, आपने सोमनाथ के इतिहास को भी काफी करीब से देखा है, कई सरकारें आई कई सरकारें गई, राज्य में भी केंद्र में भी सब देखा, राजनीति को आपने करीब से देखा, बारीकी से देखा, ये जो डिमोलिशन हुआ है सोमनाथ के अंदर और खासकर 8 से 9 मजारात को शहीद किया गया, ईदगाह को शहीद किया गया, कब्रिस्तान की कब्रों को तुर्बतों को जो है वो मिटाया गया, किस तरह से देखते हैं आप इन चीजों को? हाल देश में जो माहौल चल रहा है वो शांति और समझाने की बात नहीं है, पूरे देश में बुलडोजर राज चल रहा है, यही यहाँ देखने को मिला। अगर ये जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न खड़ा हुआ था, वो वेरावल के सब आगेवान मिलके भी सुलझा सकते थे। अतिक्रमण को डिमोलिशन करने का नाम देने के बजाय समझौते से पुनर्स्थापित करने की बात अगर की होती तो ये कुछ करना न पड़ता। और गांव में हम लोग भाईचारा से सब रहते हैं और आज तक तो रहते ही आए। हाँ डेफिनेटली, पुराने
जमाने में 1968 में भी ऐसा एक माहौल बना था बेहौल में। तब स्वर्गस्थ मुरबी से मजबूत सिंह जाडेजा साहब जूनागढ़ जिला के DSP थे और उसने यहाँ बिलावल में मुकाम रख के सब हिंदू मुस्लिम लोगों को इकट्ठा किया और एक एकता, अभी जो शांति समिति है ऐसी नहीं, एक एकता समिति बनाई थी उनने, जिसमें हमारे खारवा समाज की बहुमती है बिलावल में और मुस्लिम समाज के लोगों की बहुमती है। तो खारवा समाज के पटेल मीन्स प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट तरीके रख के एकता समिति काम करती थी और वेरावल शहर के जितने भी कास्ट वाले लोग के प्रेसिडेंट थे उस समिति में, वो एकता समिति हर धर्म के और हर कास्ट के लोग उसमें सभ्य थे और गांव का माहौल बहुत अच्छी तरह चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जब से कांग्रेस भाजप वेरावल में पॉलिटिक्स आया और पक्ष बना, तब से एकता समिति अभी अस्तित्व में नहीं है और वो खारवा समाज के पटेल जो है वो भी हिंदू सेवा समिति के प्रमुख है। मैं इस प्रश्न को ऐसे मुलाना चाहता हूं कि अगर ये जो मैटर अभी कोर्ट में है, हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट दोनों में ये मैटर चल रही है, तो अगर देखा जाए तो ये निर्णय नंदर हाईकोर्ट के ऊपर छोड़ दिया होता और जो लोग लीगल है इलीगल है वो कहना हमारा कोई काम नहीं है, अगर मैटर कोर्ट में है तो नामदार कोर्ट वो तय करेगी। लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूँ आगेवान की तरह से कि अगर ये मैटर कोर्ट में चलती है तो सबको भारतीय बंधारण के हिसाब से लास्ट रेमेडी तक एंजॉय करना देना चाहिए और अगर फाइनल निर्णय आता और ये डिमोलिशन या पुनर्स्थापित की बात की होती तो अच्छा रहता है, मेरा पर्सनल व्यू है। बिल्कुल, और ये सभी का ये रहेगा, सीधी बात है, अगर कोर्ट जो है वो सर्वमान्य होना चाहिए, न्यायपालिकाओं की हमें इज्जत करनी चाहिए। दूसरा ये कि ये जो कहा गया कि अतिक्रमण है, इस देश के अंदर पिछले कुछ सालों में लगातार अतिक्रमण के नाम पर राजनीति जबरदस्त की जाती है। अतिक्रमण इसे आप तब कह सकते थे कि जब सरकार की स्थापना हुई, जब आजादी के बाद, और उसके बाद अगर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करके कुछ बनाता है तो आप उसको अतिक्रमण कह सकते हैं। लेकिन इस मामले में ये देखा गया कि जो सौराष्ट्र के जो पहले जो सरकार हुआ करती थी, जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था, उस वक्त के इनके पास में डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये जो इमारतें तोड़ी गई इसमें कई सारी पुरातत्व विभाग के अंदर भी दर्ज है, कोर्ट में मामला सब जुडिस था, उसके बाद आखिरकार कलेक्टर को इतनी जल्दी क्यों हुई कि बुलडोजर चलाना पड़ा, क्या वजह आप समझते हैं इसको? इसमें जो मैंने पहले ही बताया कि पूरे देश में ये बुलडोजर राज चल रहा है, न्याय तंत्र खत्म है, बिल्कुल न्याय तंत्र खत्म है ऐसा नहीं बोल सके, लेकिन न्याय तंत्र की पूरी रेमेडी हर आदमी को लास्ट तक एंजॉय नहीं कर देते हैं और बीच में जब भी मौका मिलता है तो ये अतिक्रमण कर लेते हैं। ये पद्धति सही नहीं है, आने वाले समय के लिए भी सही नहीं है, यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं और रहने वाले हैं। तो अगर समझौती से कोई बात का प्रश्न का हल होता था पहले 1968 से लेकर 2014 तक तो अच्छा रहता, और हमारा तो मुस्लिम समाज के साथ पूरे गांव का संबंध ऐसा है कि अगर ये बात समझौती से की गई होती तो हम भी समझा सकते थे आगेवान को। अगर सरकार बोलती है, कहती है कि हमें यहाँ डेवलपमेंट प्लांट बनाना है, उसको अधिकार है, लेकिन उसमें सबको समझा के बुला के आप पहले उसको नोटिस दो और एक्वायर करो जमीन, तो कोई भी चीज आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और अगर तरीका सरकार का तरीका गलत है, अगर आपको कोई डेवलपमेंट प्लान करना है, सोमनाथ मंदिर को विकसित करना है, तो मैं एक बात बीच में बोलना चाहूंगा साहब कि 1950 के आसपास जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे उसने ही यह सोमनाथ मंदिर बनाया था। अभी ये भाजपा वाले बोलते हैं कि हमने बनाया सोमनाथ मंदिर, तो वो गलत बात है। सोमनाथ मंदिर मोदी जी तो सिर्फ ट्रस्टी हुए, लेकिन उसका पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल जब कांग्रेस प्रेसिडेंट थे तब उसने किया था, तभी ऐसा कोई माहौल नहीं था, सब अच्छे तरह से सबने साथ दिया था, ये तरीका गलत है। वो मैं बोल, सोमनाथ के इतिहास में ये रहा कि हिंदू मुस्लिम ये कभी नफरतें कभी नहीं हुई सोमनाथ में, लेकिन कुछ लोगों की ये सुखबुगाहट है कि जब सोमनाथ से जो
आडवाणी जी ने और मोदी जी ने जो रथ यात्रा यहां से निकालना शुरू किया, वहीं से जो है वो एक नफरत जो है वो माहौल बिगाड़ने की शुरुआत की गई थी। डेफिनेटली वो वोट की राजनीति से शुरू हुआ है, वरना तब भी आप देखेंगे कि यहाँ सोमनाथ से यात्रा शुरू की तो बिहार में लालू जी ने वो अटका दी थी, वहां स्टॉप कर दी थी, तब कोई माहौल ऐसा नहीं बना था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देश में ये माहौल बनना शुरू हुआ और खास करके 2004 से गुजरात से ये माहौल शुरू हुआ और पूरे देश में ये राजनीति जो अभी चल रही है वो वोटों की राजनीति है, इसमें देश का कोई फायदा नहीं है। बुलडोजर की राजनीति को कैसे देखते हैं आप, ये बिल्कुल किस तरीके से आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए देश की जनता को? मैंने बोला ऐसे ये समझौते से सब कुछ करना चाहिए। बुलडोजर की राजनीति यूपी में ज्यादा चली, मुझे लगता है अभी गुजरात में भी ये माहौल बनता जा रहा है, लेकिन सब लोग डरे हुए हैं, सब ईडी सीआईडी व्यापारी लोग तो कोई बोल ही नहीं सकेंगे, लेकिन ये जो राजनीति है वो देश के लिए अच्छी नहीं है। सुलह शांति से जो काम बनता है, और वेरावल में ये कितनी बार ऐसा माहौल हुआ है, बहुत इजीली सब लोगों ने काम किया है, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा से एकता समिति के माध्यम से एकजुट होकर सब मसला हल करते हैं। इसमें भी ये कहा गया कि कुछ यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा था कि भाई आपको जमीन एक्वायर करनी आप करिए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने मजारात और उनको आप छोड़ दीजिए आप, लेकिन उसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई और मीडिया गोदी मीडिया में ये दिखाया गया कि मुसलमानों ने सोमनाथ की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था, जबकि जो डिमोलिशन की जो जगह है वो सोमनाथ के मंदिर से शायद 2-3 किलोमीटर दूर है। ये प्रश्न अभी नामदार कोर्ट में है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ आगेवानों ने हमारे साथ बात की उसमें उसने ऐसा बताया हमें कि ये पुरातत्व खाता के लेबल भी लगे हुए हैं और 500 साल से पहले का ये तख्ती भी वहां लगा हुआ है। पेपर्स की ये सब बातें हैं, लेकिन पेपर्स सही होने पर भी कोर्ट से हमें न्याय मिले उससे पहले ये गलत चीज तरीके से बुलडोजर की राजनीति अच्छी नहीं है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा दूसरा जी, जो समाज के जो लोग हैं, एक अच्छा ये है कि भाई हंगामा नहीं हुआ, ज्यादा लोगों ने बहुत संयम बना कर रखा, लेकिन इसके बाद मैंने ये देखा कि कई खबरें आई कि पुलिस ने लोगों को बहुत पीटा था उस दिन, महिलाओं को भी पीटा था, इस तरह की खबरें कई आई। लेकिन जब लोगों से बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ मीडिया के तौर पर कि भाई मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे इंटरव्यू लेना चाहता हूं, तो लोग डर रहे हैं, लोग इंटरव्यू देना नहीं चाहते, इसको कैसे देखते हैं आप? जनता अगर डर जाएगी तो क्या ये सरकार का काम ये है डराना, पुलिस का काम है डराना, कैसे देखते हैं आप इसे? अभी तंत्र जैसे काम कर रहा है ये माहौल, ये मैंने आपको बताया कि अगर हिंदू मुस्लिम आगेवानों को साथ में बिठा के प्लान समझाया होता कि किस चीज के लिए ये जगह की जरूरत है, तो सब आगेवान साथ में मिलके उसका रास्ता निकालते। अगर जगह शायद हिंदू की है वो मुस्लिम की है उसकी बात में ना पड़े, तो भी अच्छे काम के लिए अगर हमें उसको एक्वायर करना है तो उसकी प्रोसीजर एडॉप्ट करो। लेकिन लोग डर क्यों रहे इंटरव्यू देने से यहाँ के लोगों में जानना चाह रहा हूँ कि लोग डरते क्यों हैं? तंत्र से डरते हैं सर, और डरते हैं उसका कोई ना कोई कारण ये भी हो सकता है कि किसी को आज आमदनी नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, धंधा नहीं है, और 28 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन है, तो सामने जो बोलता है उसको ये लोग खत्म करते हैं। गरीब उनको डर है कि हमारा ठेला वेला लगाते हैं, पुलिस बंद करा देगी अगर हम मीडिया में आकर कुछ बोल देंगे, तो ये डर रहता है लोगों को। सर आपने ये बात बोली तो डरने वाले लोग जो है वो सही इससे डरने वो अच्छी बात नहीं, हमें वही देश की जनता को डरना नहीं चाहिए। अगर आप हक पर है तो गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं करना है। हमने भी पॉलिटिक्स में जो सत्ता की राजनीति में 92 तक हमने स्वर्ग एंजॉय किया है, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री चिमन भाई पटेल और चीफ सेक्रेटरी एच के खान साहब थे, तब कुछ डर नहीं था, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात लेके हम जाते, वहां गांधीनगर में सुनवाई होती थी,
और चिमन भाई पटेल ऐसा जो बाहोश मुख्यमंत्री आप क्या कहने आए वो समझ जाते थे, और एक बार उसको लगे कि अरजदार सही है तो वो किसी अधिकारी की सुनते नहीं थे और मुंह से लीडर पर्सन थे। मैंने खुद देखा है कि एक बार एक पब्लिक प्रश्न में एच के खान साहब ने ये बोला कि ये चीज कायदा से नहीं होती है, तो उसने वो फाइल माननीय शशिकांत भाई लाखानी उद्योग मंत्री थे वो मेरे साथ थे और उसने फाइल लिया और चिमन भाई ने ग्रीन पेन से 3 पेज लिखे। ये मछीमारों का प्रश्न था, एच के खान साहब ने बोला कि ये नहीं हो सकता है, कोऑपरेटिव मंडली की डिपॉजिट डिस्ट्रिक्ट बैंक में ही रखी जाए, लेकिन ये फिशरमैन की जो मंडली है उसकी इनकम जो होती है एनसीडीसी लोन योजना की लोन आती है वो जेडीसीसी बैंक में रखने का कायदा था, वो कायदा खास किस्सा के तरीके वो चिमन भाई ने 3 पेज लिख के बताया कि ये रत्नाकर कोऑपरेटिव बैंक वेरावल के माछीमारों के उत्थान के लिए बनी है। 278 वो माछीमार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कोई माछीमार बैंक नहीं है, ये ओनली माछीमारों का उत्थान के लिए ये है। तो इसकी जो रजूआत है कि ये मंडली का रुपया फिशरीज मंडली का वो डिस्ट्रिक्ट बैंक के बजाय खास किस्सा तरीके ये फिशरीज बैंक में रखा जाए, और एच के खान साहब को बोला चिमन भाई ने कि ये ऑर्डर कर दीजिए। ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो 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 लोग हैं परेशान उनकी एक बार समझ ले तो वो पूरी ताकत से उसको सोल्व करते थे। ये प्रश्न जो अभी हुआ है उसको आप बिरावल में कोई आदमी को पूछो पता ही नहीं है कि एक्चुअल प्रश्न क्या है। अगर ये जगह मालिकी की है और मालिकी की जगह आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो अगर चिमन भाई जैसे बाहोस अगर मुख्यमंत्री होता तो सबको बुला के वो बिठा के उसका सोल्व करता, और हमारी कांग्रेस से नफरतें ना बढ़ती कम से कम उससे। कांग्रेस की नीति वो रही थी सर के डिमोलिशन मत करो पुनर्स्थापित करो, उनको हम समझा के और जगह पे जमीन देता और मंदिर मस्जिद के गुरुद्वार वहां हम पहले बनवाते, और एक एक पत्थर को उठा के जैसे रतु भाई ने सुरेंद्र नगर से अक्षयगढ़ में मंदिर पुनर्स्थापित किया ऐसे इन लोगों मुस्लिम समाज को हम आगेवान समझा सकते थे, लेकिन ये तरीका ही नहीं लिया, गलत तरीका सरकार ने चुना इसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका आभार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।